गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ पैरूडाइट स्कूल ऑफ लर्निंग। दिस इज 8th क्लास एंड दिस इज द हिंदी ग्रामर सब्जेक्ट। सो टेक आउट योर बुक ऑफ हिंदी ग्रामर एंड टर्न टू द पेज नंबर 8। ओके, यस। आज हम रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ लिए थे। ओके, सो टर्न टू द पेज नंबर 8। दिस वन, यस। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3। सबसे पहला आता है रूढ़ शब्द, फिर आता है यौगिक शब्द, फिर है नेक्स्ट रूढ़ शब्द। इन शब्दों के बारे में आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ा है ना, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। क्लियर। अब आता है रूढ़ शब्द क्या होते हैं। देखो, रूढ़ का मतलब होता है जो चीज प्रचलन में चल रही है, प्रचलित कहते हैं। ठीक है, रूढ़ शब्द का अर्थ है प्रचलित। अतः वे शब्द जो किसी अर्थ के रूप में परंपरा से प्रचलित चले आ रहे हैं वे रूढ़ शब्द कहलाएंगे, यानी कई परंपरा से चले आ रहे हैं ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द। इन शब्दों का अर्थ निश्चित होता है, इनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। अर्थात वे शब्द से, अर्थात ये शब्द योग से नहीं बनते, जैसे गाय, कमल, कान, पीला आदि। हमने इसको पढ़ लिया था, वैसे कोई बात नहीं, हम रिपीट कर लेते हैं कि ऐसे शब्द जो कि प्रचलन से चले आ रहे हैं, कई परंपरा से चले आ रहे हैं, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और इनका एक जो अर्थ होता है वो फिक्स होता है, निश्चित होता है, और इनके टुकड़े करने पर कोई विशेष अलग से अर्थ नहीं निकलता। अर्थात ये शब्द योग से नहीं बनते, किसी के संयोग या किसी के योग से नहीं बनते। जैसे कमल, ऑलरेडी कमल का कोई योग नहीं है, गाय, काल, कान और पीला। ठीक है, तो ये होते हैं रूढ़ शब्द जिसे प्रचलित परंपरा से चले आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट है आपका, अब आता है सेकंड नंबर पे। जैसे गाय का देखिए आप, एक पशु, गाय एक पशु है, पीला एक रंग है, और गाय, इनमें कोई अर्थ नहीं निकलता। गा और य का कोई अलग से अलग नहीं अर्थ निकलता टुकड़े करने पर, और पीला इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, योग समझ में आ गया, रूढ़ शब्द जिनके कोई टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। फिर आता है यौगिक शब्द, यौगिक नाम से पता चल रहा है योग से बना है वो। यौगिक का अर्थ है योग या जोर से बना। वे शब्द जो दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं, और इन्हें सामासिक शब्दों का योग भी कहा जाता है, यानी समास इसमें मिला होता है। सामासिक शब्द कह सकते हैं, सामासिक पद कह सकते हैं, हमने पढ़ा था सेवन क्लास। जैसे पीलापन, दूध वाला, गुड़साल, राष्ट्रपिता, रसोईघर, इन सबको ध्यान से देखो, सब योग से बने हुए हैं। दूध पीला प्लस पन, दूध प्लस वाला, गुड़ प्लस साल, राष्ट्रपिता, रसोईघर। तो यौगिक शब्द में प्रत्येक योग का या जोड़ का एक अर्थ अलग होता है। जैसे देखो, गुड़, गुड़ का मतलब घोड़ा, और साल यानी स्थान, अर्थात घोड़े के रहने का स्थान, गुड़साल जिसको स्टेबल कहते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है पीलापन, पीला प्लस पन, और पीला का मतलब रंग का नाम ही है, और पन का मतलब लिया हुआ, अर्थात पीला रंग लिया हुआ। क्लियर। अब आता है योग रूप, सबसे पहले रूढ़ शब्द, फिर यौगिक शब्द, और तीसरा आता है हमारा योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अब योग का अर्थ होता है जोड़, और रूढ़ का मतलब होता है प्रचलित, क्योंकि हमने रूढ़ अभी पढ़ा है जस्ट। रूढ़ का मतलब भी प्रचलन से, परंपरा से प्रचलित हो आ रहे हैं, है ना, प्रचलन में आ रहे हैं। तो रूढ़ यानी जोड़ और प्लस प्रचलित, अर्थात वे शब्द जो योग या जोड़ से तो बने हो परंतु उनका अर्थ अत्यंत प्रचलित होता है, ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, अब ये ध्यान रखना बेटा, ये अक्सर इन जो ऐसे योग रूढ़ शब्द होते हैं ना, वो क्या होते हैं पता है आपको? किसके एग्जाम्पल होते हैं? ये बहुव्रीही एग्जाम्पल्स के होते हैं, इनमें बहु
समास होता है, समास आपने पढ़ा होगा, बहुव्रीहि समास के अक्सर एग्जाम्पल होते हैं जिसमें कोई विशेष अर्थ निकलता है, तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे देखिए दशानन, अब दस है आनंद जिसके, अर्थात दस आनंद वाला, दस शीर वाला अर्थात रावण, अब तीसरा अर्थ निकल गया। उसी प्रकार नीलकंठ, नीला प्लस कंठ अर्थात नीला है कंठ जिसके, या नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव, ठीक है, शिव भगवान के लिए। नेक्स्ट है पंकज, पंक प्लस ज, पंक का मतलब कीचड़, ठीक है, और ज यानी जन्म लेने वाला अर्थात कीचड़ में उत्पन्न लेने वाला, या कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, या कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। कमल हमेशा कीचड़ में गिरता है, पानी भरा होता है ना, गंदगी मतलब पूरा पानी चाहिए कीचड़ को, कमल को खिलने के लिए, कमल को बड़े होने के लिए। तो क्या आएगा, पंकज। तो ये तीसरा अर्थ दे रहा है ना, और ये बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल ये तीनों ही, ठीक है। तो आपको तीनों समझ में आ गए होंगे। एक तो आ गया सबसे पहले रूढ़ शब्द, रूढ़ का मतलब जो प्रचलन में है, परंपरा से प्रचलित में आ रहे हैं, जिनके अर्थ टुकड़े करने पर अर्थ नहीं होते। दूसरा आता है यौगिक शब्द, जो कि दो शब्दों के योग से मिलते हैं, उनके टुकड़े करने पर प्रत्येक का अर्थ निकलता हो। और तीसरा आता है योग रूप शब्द, अर्थात जो योग से तो बने हो लेकिन उनका अर्थ अत्यंत प्रचलित होता है, ठीक है, यानी कोई तीसरा अर्थ निकलता है, ठीक है। एग्जाम्पल सबके आपको सामने समझ में आ गए होंगे। उपरोक्त शब्द दशानन, नीलकंठ, पंकज के भिन्न अर्थ होते हुए भी ये क्रम शब्द क्रमशः रावण, शिव और कमल के लिए रूढ़ है, ठीक है। अगला अब आता है फोर्थ नंबर का अपना, अर्थ के आधार पर। अभी हमने किसके आधार पर पढ़े थे पता है आपको, उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़ लिए थे, ये बनावट के आधार पर थे। देखो रचना और बनावट के आधार पर इससे पहले थे, वो उत्पत्ति के आधार पर थे, ठीक है। अब आता है अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर भी शब्दों के भेद देखिए, कितने भेद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 भागों में बांटा गया है अर्थ के आधार पर शब्दों को। देखिए सबसे पहले आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसे हम वन वर्ड कहते हैं, कहते हैं ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक शब्द में उत्तर दीजिए, ठीक है। जो साथ पढ़ता हो, सहपाठी, आप सब सहपाठी हैं, क्लासमेट्स कहते हैं जिसे, है ना, क्लास में लोग। फिर श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जिसको कहते हैं होमोनिम्स, ठीक है, जैसे आचार व्यवहार, आचार खाने वाला पदार्थ, ठीक है, इस तरह से। फिर आता है पर्यायवाची शब्द जिसको कहते हैं सिनोनिम्स, सिमिलर वर्ड, आंख, नेत्र, लोचन। फिर आता है विपरीत शब्द जिसे हम कहते हैं विपरीतार्थक, या विलोम शब्द, या अपोजिट वर्ड कहते हैं, या एंटोनिम्स कहते हैं, जैसे गरीब, अमीर। फिर आता है अनेकार्थिक शब्द, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ, यानी अनेक अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है। कर यानी हाथ, किरण, टैक्स, यानी इसी कर का मतलब हाथ भी होता है, इसी कर का मतलब किरण भी होता है, इसी कर का मतलब टैक्स भी होता है, क्लियर। और एकार्थी शब्द यानी एक अर्थ देने वाला, जैसे द्वेष यानी शत्रुता का भाव, और ईर्ष्या यानी जलन, ठीक है। तो ये आपके हो गए वापस अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद 6 प्रकार, क्लियर। नेक्स्ट अब आता है 5th नंबर, प्रयोग के आधार पर, यूज करने के आधार पर इनके भी भेद है वापस, ये 3 प्रकार के, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के 3 भेद है। सबसे पहले आता है सामान्य शब्द, फिर आती है नेक्स्ट पारिभाषिक, और नेक्स्ट आता है लास्ट तकनीकी शब्द, ठीक है। सामान्य शब्द, पारिभाषिक शब्द, तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द क्या होता है, दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाले शब्द, सामान्य शब्द जिनका कॉमन यूज होता है डेली लाइफ में, वो होते हैं सामान्य शब्द। जैसे इन्हें बोल चाल के शब्द भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके रोज डेली रूटीन में ये काम आने वाले होते हैं, जैसे रोटी, मकान, अलमारी, पूजा, रसोई, खाना, जाना, इस तरह से जो वर्ड होते हैं, है ना, वो क्या कहलाते हैं, सामान्य शब्द। क्या कहलाते हैं, सामान्य शब्द। फिर आता है पारिभाषिक शब्द, देखिए
पारिभाषिक शब्द कुछ शब्द एक विशेष या निश्चित व्यक्ति वस्तु क्षेत्र या स्थान की जानकारी देने वाले शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, स्पेशल किसी व्यक्ति की या किसी स्थान विशेष की या किसी वस्तु की या किसी क्षेत्र की किसी के बारे में जो जानकारी देते हैं वो क्या कहलाते हैं? पारिभाषिक। क्लियर? ओके। जैसे देखिए, आज मैं पहाड़ी क्षेत्र गया। अब ये पहाड़ी विशेष किसी स्थान का नाम है, पहाड़ी क्षेत्र गया। न्यायालय का रास्ता कहाँ है ना? अब ये न्यायालय विशेष स्थान का नाम आ गया, तो इसकी जानकारी दे रहे हैं कि कहाँ पर है इसका। फिर संज्ञा शब्द व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम की जानकारी देते हैं। ठीक है, ये तो हम सबको पता है। यहाँ पहाड़ी और न्यायालय तथा संज्ञा शब्द पारिभाषिक शब्द है, स्पेशल किसी स्थान विशेष के बारे में बता रहे हैं। अब आता है तकनीकी शब्द। ऐसे शब्द जो ज्ञान विज्ञान नाम से पता चल रहा है टेक्नोलॉजी में यूज होने वाले हैं, है ना? ऐसे शब्द जो ज्ञान विज्ञान तथा यंत्र विज्ञान से जुड़े होते हैं तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे भौतिकी, अंतरिक्ष विज्ञान, स्पेस यान, मोबाइल, कंप्यूटर आदि, ये सब क्या है? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ना? तो इसलिए ये कौन हो गए? तकनीकी शब्द। नाम से पता चल रहा वैसे। ठीक है, प्रद्युमन बन जा रहा, प्रद्युमन अनम्यूट माइक। प्रद्युमन अनम्यूट योर माइक, टर्न योर वीडियो ऑल्सो ऑन। नो, ओके। प्रद्युमन, आर यू लिस्निंग माई वॉइस और नॉट? दिव्यांश, सर एक आरजी शब्द जो है उसमें आ रहा है कि वर्ड विद सिमिलर मीनिंग्स, सॉरी। सर जो एक आरजी शब्द है हाँ, उसमें आ रहा है वर्ड विद सिमिलर मीनिंग्स, जैसे नए शब्द आवेदन कर लिया गया। एकार्थी शब्द क्या गिरी बता के? हाँ, एकार्थी शब्द। हाँ, जैसे उसमें एकार्थी शब्द मतलब वर्ड विद सिमिलर मीनिंग्स, लेकिन नीचे जो दोनों सेंटेंस है इन दोनों का मीनिंग तो अलग अलग है, शत्रुता का भाव और जल का भाव। हाँ, ये तो एग्जाम्पल अलग अलग दे रखा है, लेकिन एकार्थ का मतलब एक ही अर्थ देने वाले, जिसके जैसे यहाँ देखो अनेकार्थी। अनेकार्थी में क्या, एक एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक शब्द का इसका और कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, ये एकार्थी। इज इट क्लियर? दिव्यांश समझ में आ रहा है? देखो यानी अनेकार्थी शब्द देखो आप, वेट एक मिनट, क्या कहते हैं, नेत्र लोचन, वेट। हाँ दिव्यांश, नाउ अनम्यूट योर माइक। यस सर। हाँ नाउ, अब देखो आप अनेकार्थी शब्द देखना। अनेकार्थी का मतलब होता है कि जिसके एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे कर का मतलब हाथ भी हो गया, कर का मतलब अपन कहते हैं ना वहाँ कर लग रहा है, टैक्स लगेगा, और कर का मतलब रवि की किरण। ठीक है, तो एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकले, अलग अलग जगह अलग अलग यूज होता है। कहीं कर का मतलब हाथ यूज किया जाता है कविता में, कहीं कर का मतलब टैक्स यूज किया जाएगा, लेकिन ये जो एकार्थी शब्द होते हैं वो एक ही अर्थ देते हैं। इस द्वेष का मतलब वो कोई नया अर्थ नहीं निकलेगा, खाली एक ही अर्थ निकलता है इसका। क्लियर? ओके सर, ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा, ये जो आप कह रहे थे ना, ये दोनों अर्थ, ये दोनों अलग अलग वर्ड दे रखे हैं, ठीक है, समझाने के लिए एग्जाम्पल। हाँ तो बेटा, हु विल रीड? यस, हाँ नाउ दिव्यांश यू रीड बेटा। So from where? From here. Wait. Here. Yes. रचना एवं बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं। रूट शब्द, यौगिक शब्द, योग रूट शब्द। यस। क रूट शब्द, रूट का अर्थ है प्रचलित, अतः वे शब्द जो किसी अर्थ के रूप में परंपरा से प्रचलित चले आ रहे हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का अर्थ निश्चित होता है, इनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, अर्थात
ये शब्द योग से नहीं मिलते, जैसे गाय, कमल, कान, पीला आदि। गाय ओके एक पशु, पीला एक रंग, लेकिन अगर इन दोनों को अलग अलग कर दे तो गाय और यह का अलग अलग कोई अर्थ नहीं है। ख, यस यस यौगिक शब्द, यौगिक का अर्थ है योग या जोड़ से मना। वे शब्द जो दूसरे शब्दों के योग से मनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन इनमें सामासिक शब्दों का योग होता है, जिसे पीलापन, दूध वाला, गुड़शाल, राष्ट्रपिता, रसोईघर आदि। यौगिक शब्द में ओके प्रत्येक प्रत्येक योग या जोड़ का एक अर्थ होता है, जैसे गुड़शाल, गुड़ प्लस साल, घोड़े के रहने का स्थान। पीलापन, पीला प्लस पन, पीला ओके ओके रंग लिया हुआ। ओके स्टॉप गुड थैंक यू सर। ओके बेटा नेक्स्ट दर्शील दर्शील यस सर। नाउ यू रीड फ्रॉम थर्ड पॉइंट योग रूल यस सर। योग रूढ़ शब्द, योग का अर्थ है जोड़ा, जोड़ जोड़ का अर्थ है सर। आप सर ये दिख नहीं रहा है सर। वेट वेट प्रचलित हाँ, प्रचलित, यस प्रचलित अर्थात वे शब्द जो योग या जोड़ से बने बने हो, परंतु उनका अर्थ अर्थ अत्यंत 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 प्रचलित होता है। योग रूढ़ ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे 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 दशानन दर्शनान, दशानन दशानन, दश आनंद अर्थात दस सिर वाला रावण, नीलकंठ, नीलाकंठ अर्थात नीलकंठ है जिसका नीला कंठ अर्थात शिव। पंकज, पंक प्लस ज अर्थात कीचड़ में उत्पन्न अर्थात कमल। उपरोक्त उपरुक्त शब्द दशानन, नीलकंठ, पंकज ये के भिन्न अर्थ होते हैं, होते हुए भी ये शब्द क्रमशः रावण, शिव तथा कमल के लिए रूढ़ है। ओके स्टॉप हाँ नेक्स्ट अर्थ के आधार पर शब्द स्टॉप के निम्नलिखित स्टॉप बेटा भेद हैं। स्टॉप प्रतीक सोनी यस सर। नाउ रीड फ्रॉम फोर्थ पॉइंट अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर शब्द के निम्नलिखित भेद होते निम्नलिखित भेद होते हैं फर्स्ट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो शब्द पढ़ता हो सहपाठी सेकंड श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आचार व्यवहार आचार खाने वाला पदार्थ यस थर्ड एकार्थी शब्द द्वेष द्वेष शत्रुता का भाव ईर्ष्या जलन का भाव फोर्थ अनेकार्थी शब्द कर हाथ किरण टैक्स विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द गरीब अमीर पर्यायवाची शब्द आंख नेत्र लोचन ओके स्टॉप प्रहलाद सोनी यस सर। नाउ रीड फ्रॉम हियर फ्रॉम फिफ्थ पॉइंट प्रयोग के आधार पर प्रयोग के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। सामान्य शब्द, परिभाषिक शब्द, तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाले शब्द सामान्य शब्द कहलाते हैं। इन्हें बोल चाल में शब्द बोलचाल भी के शब्द भी कह सकते हैं
इन्हें बोलचाल के शब्द भी कह सकते हैं, जैसे रोटी, मकान, अलमारी, पूजा, रसोई आदि। यस। परिभाषिक शब्द, कुछ शब्द एक विशेष निश्चित व्यक्ति, वस्तु, क्षेत्र, स्थान की जानकारी देने वाले शब्द परिभाषिक शब्द कहलाते हैं। जैसे आज मैं पहाड़ी क्षेत्र गया, न्यायालय का रास्ता कहाँ है, कहाँ से है, कहाँ से है। संज्ञा शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम की जानकारी देती है। यह पहाड़ी न्यायालय तथा संज्ञा शब्द पारिभाषिक शब्द है। ओके स्टॉप। नाउ तन्वी, तन्वी, तन्वी अनम्यूट योर माइक। यस सर। नाउ वेट। यस सर। वेट वेट वेट। यस नाउ रीड फ्रॉम हियर। योगिक शब्द, योगिक शब्द, यस, योगिक शब्द। योगिक का अर्थ है योग या जोड़ से बना। वे शब्द जो दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं योगिक शब्द कहलाते हैं। इनमें सामासिक शब्द का योग होता है, जैसे पीलापन, दूध वाला, गुड़साल राष्ट्रपति, रसोई घर आदि। यौगिक शब्द के प्रतीक योग या जोड़े का एक अर्थ होता है, जैसे गुड़साल, गुड़ प्लस साल इज इक्वल टू घोड़े के रहने का स्थान। yeah. पीलापन, पीला प्लस पन इज इक्वल टू पीला रंग दिया हुआ। ओके स्टॉप। योगरूप। ओके 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 स्टॉप। ओके गुड, थैंक यू सर। ओके यस। सो नाउ इन द नेक्स्ट सेशन वी विल रीड फ्रॉम व्याकरणिक प्रकारी के आधार पर। ओके यस।